जिस तरह निर्वाचन आयोग, मुझे लगता है कोई निर्वाचन की प्रक्रिया वाला कोई है ही नहीं है। जो भी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, पटवारी से लेकर उच्च स्तर तक सिर्फ एक दल विशेष का प्रचार प्रसार करते देखे गए हैं। ये नारायण त्रिपाठी हैं, सतना की मैयर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हैं। ये अपने बयानों से पहले भी अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। इस बार इन्होंने निर्वाचन आयोग पर ही सवाल खड़े किए हैं। दरअसल बुधवार को नगरी निकाय के दूसरे चरण की वोटिंग चल रही थी। इसी दौरान वोटिंग प्रक्रिया पर नारायण त्रिपाठी का गुस्सा फूट पड़ा। आइए सुनते हैं बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा। मैं तो कई बार बोल भी चुका कि अब चुनाव नहीं कराना चाहिए। जिस तरह सदन में हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, उसी तरह से यहाँ भी सिस्टम लागू कर देना चाहिए कि प्रक्रिया कर दें, औपचारिकताएं पूरी कर दें और सर्टिफिकेट एक दल विशेष को दे दिया जाए। यहाँ जब पूरी पोलिंग में घूम रहा हूँ, जिस तरह निर्वाचन आयोग, मुझे लगता है कोई निर्वाचन की प्रक्रिया वाला कोई है ही नहीं है। जो भी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, पटवारी से लेकर उच्च स्तर तक सिर्फ एक दल विशेष का प्रचार प्रसार करते देखे गए हैं। यहाँ अधिकारी खुलेआम, जिम्मेदार अधिकारी, सक्षम अधिकारी भाजपा को वोट दिलाते दिख रहे हैं। नारायण त्रिपाठी सियासी पाला बदलने के मशहूर खिलाड़ी माने जाते हैं, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। लगभग हर दलों का सियासी स्वाद नारायण त्रिपाठी समय समय पर चखते रहे हैं। अब एक बार फिर से बीजेपी में रहते हुए नारायण त्रिपाठी के बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नारायण त्रिपाठी फिर से बीजेपी से किनारा करने वाले हैं। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही YouTube पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे WhatsApp नंबर 7000002414 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।